So hi friends, today our topic is POP instruction in 8085 microprocessor. I have already explained a push instruction for the 8085 microprocessor. तो अभी देखते हैं कि POP instruction कैसे work करता है in 8085 microprocessor. तो ये 1 byte instruction है, ये simply आप बोल सकते हो it is a 1 byte instruction and that required a 3 machine cycle. इसमें भी 3 machine cycle, same push instruction जैसा ही है. इसमें भी 3 मशीन साइकिल इज रिक्वायर्ड एंड द 10 टी स्टेट रिक्वायर्ड. तो ये तो सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन अभी वर्किंग कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं. तो पहले तो सिंपली मैं दिखा दूँ कि जब भी आप पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, पॉप इंस्ट्रक्शन करता क्या है, पुश इंस्ट्रक्शन देखते हैं. तो पुश इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सिंपली आप ऐसे देखते हो तो जो BC जो रजिस्टर पैर का कंटेंट है, ऐसा आप बोल सकते हो, जो रजिस्टर पैर का कंटेंट है वो कोई भी मेमोरी लोकेशन पे जो स्टैक के साथ डिफाइन किया है, स्टैक डिफाइन करता है, उसके ऊपर जाता है. रजिस्टर पैर का कंटेंट मेमोरी लोकेशन ऊपर जाता है. लेकिन पॉप इंस्ट्रक्शन पुश इंस्ट्रक्शन का पूरा उल्टा करता है. पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो भी मेमोरी लोकेशन है, ये जो मेमोरी लोकेशन है, ऐसा आप बोल सकते हो मेमोरी लोकेशन है, उसके ऊपर जो डेटा स्टोर है वो डेटा हमारा अभी जाएगा रजिस्टर पैर में. तो वो कैसे जाएगा और क्या करेगा, क्या होता है, वो अभी हम पूरा देखते हैं पॉप इंस्ट्रक्शन के लिए. तो पहले तो सिंपली दिखा दूँ कि जब भी आप पॉप रजिस्टर पैर का इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं तब क्या होता है, तब जो भी हमारा पहले स्टैक पॉइंटर होता है, इनिशियली जो भी स्टैक पॉइंटर होता है उसके ऊपर, मतलब स्टैक पॉइंटर तो कोई 16 बिट डेटा कंसीडर करेगा और उसमें 16 बिट डेटा होगा. ले लेते हैं कि इसमें अभी है 20FFH, वो पूरा जब एग्जांपल करेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी आप कंसीडर कर लो कि उसमें 20FFH स्टैक पॉइंटर में है. तो ये जो लोकेशन पे जो भी डेटा होगा, मतलब जो भी कोई भी डेटा, ले लेते हैं कि 05 hex, ये डेटा है वो ये लोकेशन पे है 20FFH. और 20FFH क्या है, हमारा स्टैक पॉइंटर है. स्टैक पॉइंटर हमारा 20FFH लोकेशन कंटेन कर रहा है. मतलब जो भी आप देखते हो इन माइक्रोप्रोसेसर में, तब स्टैक पॉइंटर ऐसा लिखा हुआ होता है और उसके बाजू में 205FF ऐसा होगा. मतलब ये जो लोकेशन है उसके ऊपर ये डेटा है. तो पहले जो जब भी हम पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं तब क्या होता है, पहले स्टैक पॉइंटर में जो कंटेंट है, स्टैक पॉइंटर में जो कंटेंट है 20FF, वो लोकेशन ऊपर जो डेटा होता है वो कहाँ जाता है, RL में जाता है, मतलब लोअर बिट में जाता है. तो ऐसा जो ये डेटा है वो हमारा रजिस्टर पैर की लोअर बिट में जाता है. मतलब आपने देखा स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है, वो डेटा नहीं है स्टैक पॉइंटर में, हमारा डेटा नहीं है, लेकिन वो लोकेशन डिनोट कर रहा है. वो लोकेशन पे कौन सा डेटा है, वो डेटा हमारा जाएगा RL में. ये जो 05 है वो हमारा RL में जाएगा, नहीं के ये 20FFH जाएगा. अभी क्या होगा, ये तो पहला पॉप इंस्ट्रक्शन यूज़ करें, उसके बाद स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा बाय 1, तो SP+1 होगा. तो SP+1 होने के बाद क्या होगा, SP+1 होने के बाद जो भी कंटेंट है वो हमारा RH में जाएगा. मतलब अभी जो ये लोकेशन है 20FF, उसमें प्लस उसके आगे एक लोकेशन आएगी, तो 20FF प्लस 1 करते हैं तो क्या आता है, प्लस 1 करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, 0 होगा, मतलब 2100H. ये जो लोकेशन है उसके ऊपर जो डेटा होगा वो हमारा RH में जाएगा. मतलब 2100 hex लोकेशन ऊपर जो भी कोई भी डेटा होगा, ले लेते हैं 06, तो ये जो 06 hex है वो हमारा जाएगा RH में. मतलब ये जो 06 hex डेटा है वो हमारा RH में चला गया. इसके बाद फिर से एक हमारा इंक्रीमेंट होगा स्टैक पॉइंटर में, और फिर इंक्रीमेंट होने के बाद मतलब एक और, मतलब 2 हो जाएगा, इसमें प्लस ऐड करेगा 2, मतलब जो ये होगा वो हमारा बन जाएगा स्टैक पॉइंटर न्यू.
ये हमारा बन जाएगा स्टैक पॉइंटर न्यू। अभी स्टैक पॉइंटर न्यू क्या होगा, जो भी हमारा स्टैक पॉइंटर है उसमें जो डेटा 2 ऐड करते हैं, तो स्टैक पॉइंटर क्या है 20FF, तो इसमें जो 2 ऐड करेंगे तो इसमें एक 1 ले लेते हैं, 20FF में प्लस 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2102, कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये जो आएगा वो हमारा स्टैक पॉइंटर न्यू बन जाएगा, और जो स्टैक पॉइंटर पहला था वो चेंज होके ये हो जाएगा, और जो कंटेंट RL और RH में है वो पहले तो कोई भी कंटेंट नहीं थे, हमको पता नहीं RL और RH में कौन से कंटेंट थे, मतलब रजिस्टर पहल का लोअर बाइट और हायर बाइट में कौन से कंटेंट थे वो हमें नहीं पता। और जो भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद, पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें जो RL में 5 आ जाएगा और RH में 6 आ जाएगा। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छा रहेगा समझने में। तो ये एग्जांपल दिया है, ये सिंपल एग्जांपल है, उसमें हमको क्या करना है पॉप इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, पॉप एच, जो HL पेयर के लिए पॉप एच इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन को हमें यूज़ करना है। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हमारा स्टैक पॉइंटर में जो डेटा है वो 2090H है, और HL में जो है वो है हमारा, ऐसा बोल सकते हो कि जो HL में अभी कुछ भी नहीं है, कंटेंट खाली है पूरा HL में, और आपको पता नहीं है अभी क्या है क्या नहीं, ये पूरा HL खाली है ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। और 2090H ये लोकेशन है, ये लोकेशन ऊपर F5H डेटा है, और 2091H लोकेशन ऊपर 01X डेटा है। तो अभी हमने वर्किंग देखा था, तो जो स्टैक उसमें क्या था, जो भी स्टैक पॉइंटर के अंदर डेटा है, मतलब जो डेटा है ये, उसकी लोकेशन ऊपर जो भी कंटेंट है वो सीधा हमारा कहाँ चले जाएगा, RL में चला जाएगा, ऐसा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ऐसा मैंने पहले दिखाया था। तो स्टैक पॉइंटर में जो डेटा है वो क्या है हमारा 2090 है, तो ये लोकेशन ऊपर, ये रहा वो लोकेशन ऊपर जो डेटा है वो क्या है F5, तो ये जो डेटा है वो सीधा हमारा कहाँ चला जाएगा, RL में चला जाएगा, मतलब यहाँ से वो सीधा हमारा RL में चला जाएगा। और इसके बाद क्या होता है, स्टैक पॉइंटर एक इंक्रीमेंट होता है और स्टैक पॉइंटर प्लस वन हो जाता है, SP+1 होता है, तो SP+1 क्या होता है 2090+1 हमारा क्या आएगा 2091 आएगा। तो ये जो डेटा है वो सीधा हमारा कहाँ जाता था, RH में जाता था, मतलब स्टैक पॉइंटर हमारा मेमोरी लोकेशन इंडिकेट कर रहा है, और वो लोकेशन ऊपर जो डेटा है, ये जो डेटा है वो हमारा RH और RL में जा रहा है। तो अभी स्टैक पॉइंटर एक इंक्रीमेंट हुआ SP+1, और जो RH है वो हमारा क्या होगा, ये 01, ये जो 01 है वो हमारा सीधा RH में चला जाएगा, ये RH है HL और ये HL पेयर है, ये दोनों HL पेयर है। तो ये हमारा हो गया, तो अभी फिर से एक स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा और वो हमारा SP+2 लेते हैं, मतलब आप इसमें एक इंक्रीमेंट करोगा तो वो SP+1 और प्लस वन, तो SP+2 हो जाएगा, और वो हमारा क्या होगा स्टैक पॉइंटर न्यू की तरह वर्क करेगा। तो ये हमारा आ जाएगा स्टैक पॉइंटर न्यू, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टैक पॉइंटर न्यू हुआ, तो अभी SP+2 क्या होगा 2090+2, तो 2092 जो होगा वो हमारा कंटेंट होगा इन स्टैक पॉइंटर में आफ्टर एग्जीक्यूशन पॉप एच, ये हमारा स्टैक पॉइंटर हो जाएगा जब भी हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद। और जो भी हमारा कंटेंट था HL में, पहले कुछ भी नहीं था, वो चेंज होके क्या हो जाएगा H में हमारा आ जाएगा, H में हमारा क्या आता था ये जो कंटेंट था H में 01, तो 01 हमारा H में आ जाएगा और F5 हमारा L में आ जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा, पहले ये जो लोकेशन ऊपर था, तो पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करता है, मैंने पहले ही दिखा था, जो मेमोरी लोकेशन ऊपर जो डेटा है वो हमारा रजिस्टर पेयर में जाता है, तो ये जो है वो हमारी HL रजिस्टर पेयर है, तो मेमोरी लोकेशन ऊपर से डेटा हमारा रजिस्टर पेयर में आ गया बाय द यूज ऑफ द पॉप इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज़ हाउ दिस पॉप इंस्ट्रक्शन वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।